गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आज हमने करना है रूल्स फॉर आईयूपीएससी नेमिंग स्ट्रक्चर कल स्ट्रक्चर मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको बता दी है। तो अब बात हम रूल्स, तो पहला रूल जो है हमारा सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन स्ट्रेट और चिकचैक। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन स्ट्रेट या जिकजैक बट कंटिन्यूस। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन स्ट्रेट और जिगजैग। सीधी हो या टेढ़ी मेढ़ी हो इससे मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है देखिए जरा, सपोज कीजिए आपकी एक कार्बन चेन है, ये आपकी कार्बन चेन है। अब इसमें आपकी एक कार्बन चेन ये बनती है। अब इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। ऐसी आपकी एक कार्बन चेन ये भी बन सकती है, इसमें है आपके कार्बन 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से आपकी एक कार्बन चेन ये भी बन सकती है 1 2 3 4 5 6। इसमें आपके 6 कार्बन है, इसमें आपके 6 कार्बन है और इस चेन में आपके 7 कार्बन है। तो हमें वो चेन सेलेक्ट करनी है जो लॉन्गेस्ट हो। सीधी जरूरी नहीं है कि हमें सीधी चेन ही सेलेक्ट करनी है। अब ये जो चेन थी हमारी, इट कंटेन्स 7 कार्बन एटम्स, सो दिस इज माय प्रिंसिपल कार्बन चेन। ये आपकी सब्स्टिट्यूएंट बन गई, साइड चेन बन गई। तो ये हमारी मेन चेन रहेगी। तो पहला ही रूल इसके अंदर है आपका कि सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल स्ट्रेट और जिगजैग बट कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि जैसे अभी हमने ये चेन ली, सपोज कीजिए यही चेन ली हमने, ली थी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 7 के बाद ये नहीं कि मैं इसको 8 कर दूंगा, नहीं। यहां पर आपका ब्रेक हो गया, ब्रेक के बाद आप जंप करके यहां नहीं जा सकते, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, लगातार चेन चल रही है कार्बन। तो ये आपका इस तरह से ब्रेक करके यहां नहीं आना है, लगातार चेन होनी चाहिए, जस्ट लाइक दिस। तो सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन स्ट्रेट स्ट्रेट या जिगजैग, स्ट्रेट और जिगजैग, सीधी हो या टेढ़ी मेढ़ी हो। अब टेढ़ी मेढ़ी हो देख लीजिए, जैसे एग्जांपल आपका अब ये कार्बन चेन अगर है आपकी, तो देखिए जरा इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की एक चेन बन रही है हमारी। अगर मैं यहां से इस तरफ आता हूं तो 8 कार्बन की बनेगी, इस तरफ जाता हूं 7 कार्बन की चेन बनती है। तो मुझे तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, चाहे वो टेढ़ी ही क्यों ना हो। तो आई विल सेलेक्ट दिस चेन विच कंटेन्स, दिस चेन कंटेन्स 9 कार्बन एटम। तो ये मेरा साइड चेन रहेगी, ये भी मेरी साइड चेन ही रहेगी। सो द फर्स्ट पॉइंट इज टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, कंटिन्यूस चेन स्ट्रेट और जिगजैग। लेकिन कई बार एग्जांपल हमारे ऐसे भी आ जाते हैं कि वी हैव टू और मोर चेन ऑफ इक्वल लेंथ, इफ टू और मोर चेन ऑफ इक्वल लेंथ देन सेलेक्ट द चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन। अगर ऐसी कोई चेन आपके जाती है जिसमें, या मॉलिक्यूल आपका ऐसा जाता है जिसमें दो इक्वल लेंथ की चेन बनती हो, तो उन दोनों में से कौन सी चेन आप प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करोगे, तब आपको वो चेन प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करनी है विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन, जिसमें साइड चेन मैक्सिमम हो। इफ टू और मोर चेन ऑफ इक्वल लेंथ देन सेलेक्ट द चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन। क्या मतलब है इसका देखिए जरा, सपोज कीजिए आपकी एक चेन इस तरह से है, मॉलिक्यूल आपको दे रखा है कार्बन चेन,
ये आपको मॉलिक्यूल दे दिया। अब इसमें आपकी देखिए जरा, एक ये चेन बनती है, वन टू, मैं जरा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और इसी तरह से एक चेन मेरी ये भी बनती है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, दोनों ही चेन आपकी एट कार्बन चेन है। अब जब दो इक्वल लेंथ की चेन आ गई आपकी, तो इसमें मेन चेन आप किसको सेलेक्ट करेंगे, तो हम प्रिंसिपल चेन उसको सेलेक्ट करेंगे जिसकी साइड चेन मैक्सिमम होंगी। अब देखिए जरा, जो मैंने ब्लू कलर में चेन सेलेक्ट की है, इसमें आपकी ये जो चेन है कि साइड चेन हो गई, एक ये चेन भी इसकी साइड चेन हो गई, एंड दिस इज द प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन में फिर ये दो कार्बन, एक छह कार्बन नंबर सिक्स पर और एक कार्बन नंबर फाइव पर, दो साइड चेन बनती हैं। लेकिन अगर मैं ग्रीन कलर वाली चेन को प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करता हूं, ये लीजिए जरा, अगर मैं इस चेन को प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करता हूं, तो मेरी सिर्फ एक ही साइड चेन बनती है जो कार्बन नंबर फाइव से अटैच है। ये जो साइड चेन है वो ब्रांच चेन की अपनी साइड चेन है, विद इन ब्रांच चेन, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसी चेन में अब यहां पर सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट है, जबकि जो ब्लू कलर थी हमारी, ब्लू कलर चेन में दो साइड चेन प्रोड्यूस हो गई थी हमारी, एक ये और एक ये। तो अगर दो इक्वल लेंथ की चेन है, देन वी विल सेलेक्ट द चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन। जो ब्लू कलर चेन मेरी है, इसमें दो साइड चेन है, ग्रीन कलर वाली में सिर्फ एक साइड चेन है, सो ब्लू कलर चेन इज राइट चेन, करेक्ट। ग्रीन कलर वाली हम चेन सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो जो हमारी चेन सेलेक्ट होगी वो कौन सी होगी, वो हमारी ये वाली चेन सेलेक्ट होगी, दिस वन। इफ देर आर टू सेकेंड सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन में, दूसरा रूल हमारा, पहला रूल था कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है, अब दूसरा रूल है कि अगर दो इक्वल लेंथ की आ जाती हैं तो वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें साइड चेन मैक्सिमम हो, एक ये साइड चेन बनी इसमें, एक ये साइड चेन बनी, साइड चेन मैक्सिमम होनी चाहिए। फिर इसमें थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका कि अगर साइड चेन भी इक्वल हो, इफ टू और मोर, टू और मोर चेन ऑफ इक्वल लेंथ ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल साइड चेन, साइड चेन भी इक्वल हो, देन सेलेक्ट द चेन, देन सेलेक्ट द चेन विच हैज लोएस्ट सेट ऑफ, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट जिस पर हो वो सेलेक्ट, हमें प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करनी है। अब इसका क्या मतलब है, इसका जो मतलब है वो आपका नंबरिंग से है कि पहले हमें उस चेन चेन को नंबरिंग करनी होगी। नंबरिंग के रूल में इसके बाद बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एग्जांपल यहां पर आपको बता देता हूं क्या एग्जांपल है। देखिए जरा, सपोज कीजिए आपके पास कार्बन चेन है इस तरह से, नंबर ऑफ साइड चेन्स भी इक्वल हैं और प्रिंसिपल चेन्स भी इक्वल हैं। देखिए जरा, पहले नंबर लेंथ ऑफ द चेन इज आल्सो इक्वल, पहले देखिए जरा लेंथ कैसे इक्वल हैं। पहले मैं ले रहा हूँ चेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, एक चेन ये है मेरी और एक चेन मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ
सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देयर इज 1 2 3 साइड यहाँ नहीं दिखाई थी हमने, हम इसको यहाँ दिखाया था 1 2 3 4 एक यहाँ पर कार्बन था, एक यहाँ कार्बन था, तो एक मेरी जो चेन हो गई थी इट वाज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 एक में जो चेन हो गई थी सपोज कीजिए ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों इक्वल लेंथ की चेन है। साइड चेन की बात करें जो ब्लू से मैंने जिसकी नंबरिंग की है, ब्लू से जो नंबरिंग मैंने की है इसमें साइड चेन देखिए जरा, ये तो मेरी मेन चेन होगी, इसमें साइड चेन एक ये हो गई आपकी जो कार्बन नंबर 9 पर है और एक ये होगी जो कि आपकी कार्बन नंबर 6 पर है, दो साइड चेन हो गई। और अगर जो मैंने ब्लैक से की है जरा उसके लिए भी देख लेते हैं, ब्लैक वाले में जो हमारी साइड चेन आएंगी ये तो प्रिंसिपल चेन हो गई हमारी, एक ये आपकी साइड चेन हो गई और एक ये साइड चेन हो गई, इसमें भी दो साइड चेन है, चेन की लेंथ भी इक्वल है और साइड चेन भी इक्वल हैं। इसमें लेते हैं तो 1 एंड 2 तो लेंथ ऑफ द चेन इज आल्सो इक्वल, नंबर ऑफ साइड चेन इज आल्सो इक्वल, तब हमें लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट देखना है और लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट के लिए हमें इसमें पहले नंबरिंग करनी होगी। अब वो नंबरिंग कैसे करते हैं जरा उसके लिए रूल्स अलग हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको नंबरिंग करके सिर्फ लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट बताना चाहूँगा। अब देखिए जरा नंबरिंग इस चेन की अगर मैं करता हूँ, 1 कलर दूसरा ले लेते हैं जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें नंबरिंग इस तरफ से होगी, एक सब्स्टिट्यूएंट आपका कार्बन नंबर 2 पे है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आपका कार्बन नंबर 5 पे है। दूसरी जो मेरी चेन थी वो ये थी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वही चलेंगे आपके 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 तो इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट आपका कार्बन नंबर 3 पर है और दूसरा आपका कार्बन नंबर 5 पर है, ये वाला मेन चेन आपकी इसमें ये है। तो सेट ऑफ लोकेंट जो पोजीशंस है, एक 2 5 पोजीशंस है, एक में 3 5 पोजीशन है, तो हमारी जो लोवेस्ट है फर्स्ट पॉइंट पर ही देखिए 3 और 2 तो 2 इज लोअर, तो ये हमारी करेक्ट होगी, जो 2 5 वाली है जो हमारी दैट इज राइट 2 5 दैट इज द राइट चेन, ये हमारी चेन मेन सेलेक्ट होगी, दूसरी रिजेक्ट हो जाएगी। तो अगर दो इक्वल लेंथ की चेन हो उनमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन्स भी इक्वल हो तब हमें वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसकी लोकेंट सेट ऑफ लोकेंट जो है वो लोवेस्ट हो, और लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट मैंने आपको बता ही दिया नंबरिंग से पता लगता है। तो 2 5 और 3 5 में 2 5 आपकी लोवेस्ट है तो वो हम प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करेंगे। अब बात आ गई नंबरिंग कैसे की, ये बात हो गई हमारी सिर्फ और सिर्फ चेन सिलेक्शन की अभी तक। अब नंबरिंग जैसे मैंने इसमें किया तो कैसे करनी, अब रूल्स हम लेंगे नंबरिंग के। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड फर्स्ट, ये हमारा पहला रूल हो गया चेन सिलेक्शन का, इक्वल लेंथ है तो साइड चेन मैक्सिमम, साइड चेन भी इक्वल हैं तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट। अब उसके बाद आ जाती है नंबरिंग की, द नंबरिंग इज डन सो दैट ब्रांच्ड कार्बन एटम गेट्स लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। अब बात नंबरिंग की है, अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, इफ देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट, सपोज कीजिए आपकी कार्बन चेन है, कार्बन चेन में यहां पर साइड चेन है, अब प्रिंसिपल चेन तो आपकी यही रहेगी और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है,
जरूरी अल्काइल ग्रुप हो, एनओ टू भी हो सकता है, क्लोरो भी हो सकता है, कुछ भी सब्सटीट्यूएंट है, एक सब्सटीट्यूएंट इसमें अटैच है। अब नंबरिंग आप इसमें इस तरह से भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देर आर 7 कार्बन आइटम इन प्रिंसिपल चेन, या फिर आप नंबरिंग आपकी इस तरफ से भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो नंबरिंग दोनों साइड से की जा सकती है। लेकिन ये भी ध्यान रखना, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम एन एंड, आइदर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, कोई भी किसी एंड से शुरू होगी, बीच में से आप नंबरिंग शुरू नहीं कर सकते, आप ऐसे 1, 2, 3 ऐसे नंबरिंग नहीं करेंगे, बीच में से कहीं से नंबरिंग स्टार्ट नहीं होगी, नंबरिंग होगी तो आइदर राइट हैंड साइड कॉर्नर से या लेफ्ट हैंड साइड एंड से शुरू होगी। अब दोनों में से नंबरिंग कौन सी ठीक है, वहां से नंबरिंग होगी जहां से जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, दैट विल हैव द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। अब सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन पे है, सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट ऑन दिस कार्बन एटम, इस कार्बन के साथ आपकी साइड चेन अटैच है, तो इस कार्बन पर लोएस्ट नंबर होना चाहिए। देख लीजिए किस साइड से लोएस्ट नंबर आता है, इस साइड से अगर मैं लेता हूं तो नंबर आता है 5, और अगर मैं नंबरिंग इस साइड से लेता हूं तो इस कार्बन पर नंबर आता है 3, तो नंबरिंग हमारी इस साइड से होगी, फ्रॉम द इस एग्जांपल में हमारी राइट हैंड साइड से नंबरिंग हो जाएगी 1, 2, 3, 3। तो इस तरह से नंबरिंग हमें करनी है कि अगर आपका एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, देन वी विल गिव लोएस्ट नंबर, लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू द कार्बन एटम विच बियर्स सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन अगर आपके एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो आपको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट देखना होगा, जैसे कि सपोज कीजिए आपकी एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ये आपकी कार्बन चेन है, एक सब्स्टिट्यूएंट आपका यहां पर प्रेजेंट है और एक सब्स्टिट्यूएंट आपका यहां प्रेजेंट है CH2CH3, ये प्रिंसिपल आपकी चेन है, सेलेक्ट चेन आपने कर ली है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कार्बन एटम्स, और कोई भी आपकी 9 से ज्यादा कार्बन एटम की चेन नहीं बनती है, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो आपकी मैक्सिमम 9 कार्बन की चेन होगी, प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट होगी, दो सब्स्टिट्यूएंट है। अब हमारा काम है इसमें नंबरिंग करना। अब नंबरिंग इसमें कैसे की जाएगी, आइदर फ्रॉम दिस साइड लेफ्ट हैंड साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, या फिर नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो नंबरिंग किस तरफ से करनी है, तो उसके लिए हमें लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट देखना है, जिस साइड से लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट आता हो उस साइड से आपको नंबरिंग करनी है। जैसे कि अगर मैंने इस साइड से ब्लू वाली अगर मैं नंबरिंग की चेक करता हूं, ये ब्लू वाली नंबरिंग जो है हमारी, एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है आपका कार्बन नंबर 4 पे ब्लू वाली के लिए, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है आपका कार्बन नंबर 8 पे, तो नंबरिंग हमारी हुई 4 और 8, सेट ऑफ लोकेंट। लेकिन अगर मैं जो रेड कलर्ड वाली नंबरिंग देखता हूँ, नंबर 1, 2, तो एक सब्स्टिट्यूएंट हमारा आ रहा है कार्बन नंबर 2 पे और दूसरा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो है कार्बन नंबर 6 पे, तो हमें तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ही देखना है, डिफरेंस पहला कहां पर आ रहा है, 4, 2, ऑब्वियसली 2 इज लोअर देन 4, तो जो हमारी 2, 6 है, दिस इज द राइट नंबरिंग, वेयर एज 4, 8 इज रॉन्ग, दैट्स ऑल। तो 2, 6 मतलब हमारी इस तरफ से नंबरिंग शुरू होगी फ्रॉम राइट हैंड साइड 1, 2, ये आपकी नंबरिंग जो है वो गलत होगी। तो इस तरह से नंबरिंग इज डन फ्रॉम द साइड सो दैट सब्स्टिट्यूएंट बियरिंग कार्बन हैव लोएस्ट पॉसिबल नंबर, इफ देर आर 2 or more सब्स्टिट्यूएंट द नंबरिंग इज डन सो दैट वी गेट लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। ऐसा भी हो जाता है कि कई बार 2 different सब्स्टिट्यूएंट है एंड दे हैव इक्वलेंट पोजिशंस, 2 different सब्स्टिट्यूएंट एंड दे हैव इक्विवेलेंट पोजिशंस, जैसे कि
अब देखिए जरा आपकी, दिस इज द प्रिंसिपल चेन, दिस इज प्रिंसिपल चेन एंड देयर आर द टू सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स आर सब्स्टिट्यूएंट नंबर वन एंड सब्स्टिट्यूएंट नंबर टू, नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जो सब्स्टिट्यूएंट है, एक कार्बन नंबर तीन पर आता है और दूसरा कार्बन नंबर सिक्स पर आता है। और अगर मैं दूसरी साइड से नंबरिंग करता हूँ इसकी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो अभी भी नंबरिंग इसकी वन कम्स एट थ्री एंड अदर कम्स एट सिक्स। तो नंबरिंग दोनों साइड से इक्वल है, लेकिन ग्रुप हमारे डिफरेंट है, एक तरफ मिथाइल है एक दूसरा इथाइल है, ग्रुप आर डिफरेंट। अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम हो तब कोई फर्क नहीं पड़ता, तब आप कोई भी नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है। या तो आप इसको 3-methyl-6-ethyl बोलोगे, या फिर आपको 3-ethyl-6-methyl बोलोगे, दोनों में से एक आपको यूज करना है। तो उसके लिए अब आपका क्या रूल है, अब रूल ये है कि जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको लोअर नंबर देना है। अल्फाबेटिकली मतलब आपका ये ग्रुप है इथाइल एंड दिस ग्रुप इज मिथाइल, तो इथाइल और मिथाइल में आपका ई अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, तो उसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना है। तो आपको ये 3, इथाइल पर लोवेस्ट पॉसिबल नंबर 3 देना है और मिथाइल को 6 देना है। तो दिस इज योर राइट नंबरिंग, वेयर एज जो ग्रीन कलर नंबरिंग है वो गलत हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आपकी नंबरिंग करते हैं तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो उस पर लोवेस्ट पॉसिबल नंबर दीजिए, एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोगेंड देखिए किस तरफ से आता है, उस तरफ से आप नंबरिंग कर दीजिए। और अगर आपकी दोनों तरफ से इक्वल पोजिशन आती हैं, सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है, तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर दिया जाता है। तो नंबरिंग करने के बाद फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन का नाम लिख दिया जाता है। और नाम लिखने के लिए मैंने जैसे कि आपको स्ट्रक्चर बताया कि पहले सारे सब्स्टिट्यूएंट लिखे जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद वर्ड रूट अगर आपके साइक्लिक नहीं है तो, फिर एन इन या आइन, और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स जो भी है आपका फंक्शनल ग्रुप भी अगर प्रेजेंट है तो। तो नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप अटैच टू द ब्रांच अटैच्ड एज ए ब्रांच आर देन प्रीफिक्स्ड टू द नेम ऑफ द पेरेंट एल्केन, पेरेंट एल्केन के प्रीफिक्स उसके आगे अल्काइल ग्रुप का नाम लिख दिया जाता है। एंड द पोजिशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेटेड इन अप्रोप्रिएट नंबर, और पोजिशन भी उसकी अप्रोप्रिएट नंबर, किस कार्बन पर वो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो भी साथ लिखनी होती है। तो बेसिकली आपके तीन रूल है, पहला रूल चेन सिलेक्शन के लिए, चेन सिलेक्शन के लिए मैंने आपको तीन रूल बताए, फिर उसके बाद नंबरिंग के, नंबरिंग के लिए मैंने आपको तीन रूल बताए हैं, और उसके बाद फिर राइटिंग द नेम्स। अब राइटिंग द नेम कैसे लिखना है थोड़ा सा उसके भी ध्यान से रखिए, कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं यहाँ पर। अब ये आपका दे रखा है एग्जांपल, जरा मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में थोड़ा लिख देता हूँ, CH3CH CH3 CH3, ये बॉन्ड नोटेशन में लिखा हुआ आपका इस तरह से, ऐसे लिख लो या इसको ऐसे लिख लो, ये बॉन्ड नोटेशन है जिसमें हमने बताया था कि हर एक एंड पर कार्बन है, कहीं पर बैंड है तो वहाँ कार्बन है या ज्वाइंट है तो, और इस एंड पर भी कार्बन होगा, सॉरी दिस इज CH एंड दिस इज CH3। तो कुल मिलाकर आपका ये वाली चेन बन जाती है। अब देखिए जरा इसमें नंबरिंग कैसे होगी या नाम इसका कैसे लिखा जाएगा, पहले हम चेन सेलेक्ट करेंगे, सॉरी चेन सेलेक्ट होगी तो 1, 2, 3 ये भी आप चेन सेलेक्ट कर सकते हो, या 1, 2, 3 ये भी आप चेन सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी कर लो, दोनों में एक ही बात पड़ती है, इक्वल लेंथ की हैं तो साइड चेन भी एक पड़ती है, पोजिशन भी सेम ही पड़ेगी, किसी भी साइड में ले लो आप। तो आपने सपोज कीजिए एक चेन सेलेक्ट कर ली, ये आपकी साइड चेन हो गई। तो जब नाम लिखोगे पहले तो वर्ड रूट इज प्रोप, 3 कार्बन चेन है तो प्रोप वर्ड रूट यूज होगा, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट प्राइमरी प्रीफिक्स होता है वो साइक्लो होता है, ये रिंग है नहीं तो साइक्लो हम यहाँ यूज नहीं करेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है हमारा था सब्स्टिट्यूएंट होता है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम है मिथाइल, और उस मिथाइल जो ग्रुप है दैट इज प्रेजेंट ऑन द सेकेंड कार्बन एटम, सो इट विल बी 2-methyl। नाउ द नेम विल बी 2-methyl-propane, 2-methyl-propane।
अब ध्यान रखना, जब नाम लिखते हैं जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है, फर्स्ट अल्फाबेट इज कैपिटल, उसके बाद द होल नेम इज रिटन इन वन वर्ड, कोई गैप बीच में नहीं आता, कोई गैप बीच में नहीं आएगा, एक वर्ड में पूरा नाम लिखा जाता है और यहां फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ये एग्जांपल हो गया आपके, चार कार्बन की चेन है, अब फोर कार्बन है ऐसे दे रखा है, तो दिस इज योर सी एच थ्री सी एच सी एच टू सी एच थ्री एंड दिस इज सी एच थ्री। अब चार कार्बन की चेन है, नंबरिंग आप इस तरह से भी कर सकते हैं 1 2 3 4, या फिर आप नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मैं इस तरफ से नंबरिंग शुरू करता हूं तो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सेकंड कार्बन पे है, लेकिन अगर मैं ग्रीन कलर साइड से नंबरिंग शुरू करता हूं तो सब्स्टिट्यूएंट है वो थर्ड कार्बन पे आता है, तो मैं सेलेक्ट लोवेस्ट सेट ही लूंगा, लोवेस्ट पोजिशन लूंगा, सो इट विल बी 2-methyl सब्स्टिट्यूएंट हो गया आपका, ब्यूट वर्ड रूट हो गया एन, 2-methyl butane आपका इसमें सही नाम होगा। इज द सेम सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट ट्वाइस और थ्राइस देन यूज ड्राई डाई और ट्राई, मीन्स अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट 2 बार 3 बार 4 बार या 5 बार प्रेजेंट हो और 6 7 8 टाइम हाउ मच टाइम इज इट इज प्रेजेंट, देन मल्टीप्लीकेटिव एफिक्सेस आर यूज, मल्टीप्लीकेटिव एफिक्सेस आर यूज। अब मल्टीप्लीकेटिव एफिक्सेस मतलब डाई ट्राई टेट्रा टेट्रा फोर फोर पेंटा हेक्स या पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, तो मल्टीप्लीकेटिव एफिक्सेस यूज किए जाते हैं। अगर एक सब्स्टिट्यूएंट 2 बार है तो डाई, और सपोज के मिथाइल ग्रुप ही 2 बार है तो वी विल यूज डाई मिथाइल, 3 बार है तो ट्राई मिथाइल, 4 बार है तो टेट्रा मिथाइल पेंटा मिथाइल हेक्सा मिथाइल, इस तरह से वर्ड यूज किए जाते हैं। जैसे ये आपका एग्जांपल हो गया सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज अ चेन, आप चेन ये भी यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट मान लीजिए आपने ये चेन सेलेक्ट कर ली, कार्बन नंबर 1 2 3 नंबरिंग कर दी, नाउ 2-methyl एंड दिस इज ऑल्सो 2-methyl, तो हम इसको 2-methyl 2-methyl नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 2,2-dimethyl, 2 बार है तो डाई लिखेंगे 2,2-dimethyl propane 2,2-dimethyl propane। इफ टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर फाउंड इन इक्विवेलेंट पोजीशन देन लोअर नंबर इज गिवन टू द वन कमिंग फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल लिस्टिंग, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, ये आपका एग्जांपल हो गया। इस तरफ दोनों तरफ से इसमें आपकी नंबरिंग, अगर मैं इस तरफ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6, एक तरफ से आपकी 3-ethyl 4-methyl आ रहा है, और दूसरी तरफ से अगर नंबरिंग करता हूँ मैं ग्रीन साइड से नंबरिंग करता हूँ तो 4-methyl और 3-methyl और 4-ethyl आ रहा है, तो जो अल्फाबेटिकली पहले है इथाइल उसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर दिया जाएगा, ये रूल्स भी हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। इफ देयर हैपन्स टू बी 2 chains ऑफ इक्वल साइज देन चेन इज टू बी सिलेक्टेड विच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ साइड चेन्स, ये आपको हम बता चुके हैं, तो ये हमारे रूल्स हो गए। अब कुछ एग्जांपल, तो एग्जांपल मैं जरा लिख के दिखा देता हूं आपको, सपोज कीजिए अब आपका एग्जांपल है ये देखना, ये हाइड्रोजन साथ में दिखानी है CH2 CH2 CH CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, नाउ दिस कार्बन इज प्रेजेंट हेयर। नाउ फर्स्ट रूल सेलेक्ट द चेन 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7, दोनों तरफ से ही 7 पड़ती हैं, लेकिन इसमें मेरी 2 साइड चेन बनती हैं, तो आई विल सेलेक्ट दिस चेन, ये चेन हमारी सेलेक्ट होगी,
देर आर टू सब्स्टिट्यूएंट। अब बात आई नंबरिंग की, तो नंबरिंग यहां से आपका एक टू और फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, नंबरिंग नीचे से होगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, क्योंकि अगर मैं नंबरिंग दूसरी साइड से करता हूँ वन टू थ्री फोर, पहला ही सब्स्टिट्यूएंट मेरे फोर्थ पोजीशन पर आता है जो कि गलत होगा, जबकि साइड से मेरा पहला सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो मैं टू फोर नंबरिंग ही लूँगा, ना कि फोर और सिक्स। इस तरफ से अगर जो नंबरिंग मेरी चली थी फोर फाइव सिक्स, सिक्स और फोर पर दो सब्स्टिट्यूएंट आते हैं वो मेरी गलत होगी। आई विल सेलेक्ट द टू फोर, सो नेम विल बी वर्ड रूट, सेवन है तो आपका हेप्ट होगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और दो सब्स्टिट्यूएंट जो हैं प्रोपाइल और मिथाइल, एक है प्रोपाइल और दूसरा है मिथाइल। मिथाइल इज प्रेजेंट एट पोजिशन नंबर टू एंड प्रोपाइल इज प्रेजेंट एट पोजिशन नंबर फोर। तो जब हम सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, दो सब्स्टिट्यूएंट मेरे यहां पर हैं, तो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मतलब पहले एम और उसके बाद पी, तो इट विल इट्स नेम विल बी टू मिथाइल डैश फोर डैश प्रोपाइल हेप्टेन, एक वर्ड में पूरा नाम लिखना है, टू मिथाइल फोर प्रोपाइल हेप्टेन। तो नाम और पोजिशन के बीच में हाइफन होगा, ध्यान रखना ये चीज, और अगर दो पोजिशन कहीं पर एक साथ आती हैं, जैसे कि अगर आपका इस तरह से नाम आ जाता है सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच सी एच सी एच थ्री, नंबरिंग ऑब्वियसली वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सो नेम विल बी टू कोमा थ्री, दो पोजिशन के बीच में कोमा आएगा, हाइफन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम सिक्स हैं तो हैक्स वन रूट हो गया, सिंगल वन है तो हेन ए, तो टू थ्री हैक सॉरी टू थ्री डाइमिथाइल सॉरी टू थ्री फर्स्ट लेटर कैपिटल डाई मिथाइल हेक्सेन विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो इस तरह से आपके आईपीएसी नेमिंग सिंपल हाइड्रोकार्बन के लिए मैंने कोई डबल बॉन्ड नहीं लिया, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं लिया, तो इनकी आज आप आईपीएसी नेमिंग की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।